सिंगरौली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 13,50,000 के मोबाइल फोन बरामद किए हैं और उसके बाद उन लोगों को मोबाइल लौटा दिए गए जिनके मोबाइल चोरी हुए थे, जिसमें लोगों में काफी उत्साह है। दरअसल पिछले कुछ महीनों में लगातार जिले के थाने से मोबाइल चोरी होने की खबर आ रही थी, जिसके बाद सिंगरौली पुलिस ने धनतेरस पर लगभग 13,50,000 के मोबाइल को बरामद किए हैं। बरामद किए गए मोबाइल की संख्या 121 थी। पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में साइबर सेल सिंगरौली ने अभियान चलाकर मोबाइलों को ढूंढा और लोगों को धनतेरस के उपलक्ष्य में जिनके मोबाइल थे उन्हें वापस कर दिए। लोग अपने मोबाइल पाकर काफी खुश नजर आए। ये निश्चित रूप से लोगों के जो मोबाइल किसी कारण से गुम हो जाते हैं, छूट जाते हैं, गिर जाते हैं या चोरी हो जाते हैं, उनकी जानकारी के बिना कोई उठा ले जाता है, ऐसे मोबाइलों को जिनमें पुलिस को जानकारी दी गई थी आवेदकों के द्वारा, उन मोबाइलों को ट्रेस आउट किया गया, जिसमें हमारी साइबर टीम के द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पे कठिन तरीके से उनको दस्तयाब किया गया। इससे करीब 121 मोबाइल पुलिस ने दस्तयाब किए थे, जिनको आज धनतेरस के दिन लोगों को लौटाने के लिए नियत किया गया था। उसमें से करीब आधे मोबाइल लेने के लिए लोग आए हैं, आधे मोबाइल ही बचे हुए हैं। इनकी कीमत करीब 13 से 14 लाख के आसपास की है। ये मोबाइल लोगों को लौटाए गए, जिससे उनके चेहरे पर वास्तव में खुशी आई। आप बोलना चाहेंगे पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है और लोगों के अंदर ऐसा भावना रहती है कि पुलिस कुछ नहीं करती है, तो आज मेरा 2.5 साल बाद फोन मिला है और मैं जानना चाहूँगी कि मतलब चोरी किसने किया है, क्योंकि मेरा 10 या 12 दिन हुआ था फोन लिए हुए और गैस एजेंसी से चोरी हो गया। खुश हैं? आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।